कोरोना काल में पूरे बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, ये नज़ारा कैमूर में आसानी से देखने को मिल रहा है। जिले में कोरोना काल में लोगों की इलाज मुहैया कराने के लिए एएनएम की बहाली मात्र 3 महीने के लिए की जा रही है, लेकिन लोगों को कोरोना का नियम पढ़ाने वाले सदर अस्पताल भभुआ में ही कोरोना नियमों को ताक पर रखकर कोविड नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ पुलिस वाले इस भीड़ में पहुंचे तो जरूर है, लेकिन हालात देखकर उन्होंने भी वहाँ से 9-2-11 होने में ही अपनी भलाई समझी। हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में आवेदन लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर खड़ी हैं और अस्पताल प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगा रही हैं। अगर यही हालात रहे तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। वहीं एएनएम की बहाली के लिए आई महिलाएं और उनके परिजनों ने बताया कि सरकार कोरोना से बचाव को लेकर के एएनएम की बहाली 3 महीने के लिए कर रही है। वैसे हालात में सदर अस्पताल भभुआ में हजारों महिलाएं उमड़ पड़ी, प्रशासन ने इसके लिए पहले से कोई इंतजाम नहीं कर रखा है। वाइफ के काउंसलिंग के लिए आए हैं यहाँ पे एएनएम के लिए, यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। डीएम कैमूर और सीएस कैमूर जो भी है सिविल सर्जन, वो इनके लिए जिम्मेदार है। वो इनको चाहिए कि ऑनलाइन व्यवस्था कराएं या कोरोना काल में इस टाइप की व्यवस्था कराएं कि हमारे पास इतने कैंडिडेट्स आने वाले हैं तो उनके लिए हम शेड्यूल लगाएं कि ए से लेकर बी नेम वाले आ जाएं, सी से लेकर डी वाले कल आएं। यहाँ सारे दिन सारे लोगों को एक ही दिन बुला दिया गया। सुबह से उमस भरी गर्मी में खड़ा रहने के कारण कई महिलाएं बेहोश भी हो गई हैं। सदर अस्पताल को बहाली प्रक्रिया अगर करनी थी तो पहले से मुकम्मल व्यवस्था यहां पर करनी चाहिए थी। काउंसलिंग करवाने के लिए किस चीज का? एनएम का। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बहाली कोविड-19 पे बहाली निकाला था और कोविड एक धज्जी उड़ा दिया है। हम लोग विकलांग है, फिर भी हम लोग को जाने के लिए नहीं मिल रहा है, कैसे जाए हम लोग? लाइन में लगकर सभी लोग बारी बारी से आते और अपना फॉर्म जमा कर चले जाते या फिर ऑनलाइन व्यवस्था फॉर्म जमा कराने की या ऑनलाइन ही उनका इंटरव्यू लेने की व्यवस्था रखनी चाहिए थी, लेकिन इन सारी व्यवस्थाओं के लिए अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है। हम से आए हैं, यहाँ एनएम का बहाली चल रहा है और यहाँ देखिए रहे इतना भीड़ भाड़। कम से कम प्रशासन के यहाँ टाइट करना चाहिए लाइन। पीछे का हम लोग लाइन में कब से धूप में खड़े हैं और आगे पूरा भीड़ भाड़ है, इसमें क्या कोरोना नहीं होगा? इतना देखिए रहे कितना भीड़ भाड़ चल रहा है, कम से कम प्रशासन को लाइन लगाना चाहिए, ये क्या हो रहा है बाहर? ऐसी स्थिति में कोरोना का संक्रमण भी तेज हो सकता है। कई महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर साथ में आई हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में कोरोना से बचाव होगा या फिर यहां पर बहाली होगी।